रादौर के गांव धोड़न के एक ईट भट्टे पर डेरा अनुयायियों ने मजदूर परिवारों को वितरित किए गर्म वस्त्र। डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा निरंतर मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। सर्दी का मौसम बढ़ने के साथ अब प्रदेश भर में जगह जगह डेरा श्रद्धालुओं द्वारा जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र भेंट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा के ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा गांव धोड़न के एक ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले मजदूर परिवारों को गर्म वस्त्र भेंट किए गए। इस अवसर पर डेरा प्रेमी जसवंत इंसान ने बताया कि डेरा श्रद्धालुओं द्वारा गुरुजी की प्रेरणा पर चलते हुए मानवता भलाई के 135 कार्य किए जाते हैं, जिनके तहत जरूरतमंदों को फूड बैंक से राशन, बुक बैंक से किताबें व स्टेशनरी, क्लॉथ बैंक से कपड़े व जूते दिए जाते हैं। इन्हीं कार्यों के तहत आज धोड़न स्थित ईंट भट्टा पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों व उनके बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए, ताकि वे दिनों दिन बढ़ने वाली इस ठंडक से राहत पा सकें। रादौर के गांव कांजनू में चिकन प्रोसेसिंग प्लांट के विरोध प्रदर्शन में आड़ती एसोसिएशन ने दिया समर्थन। रादौर के गांव कांजनू में बनाए जाने वाले चिकन प्रोसेसिंग प्लांट के विरोध में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को आए दिन विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलता जा रहा है। मंगलवार को आड़ती एसोसिएशन ने भी इस प्लांट के विरोध में शामिल होकर ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया। आड़ती एसोसिएशन के जिला प्रधान शिव कुमार संधाला ने कहा कि शासन व प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध के मद्देनजर इस चिकन प्रोसेसिंग प्लांट को यहां स्थापित करने के लिए दी गई एनओसी को रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ग्रामीणों के साथ तन मन धन से खड़ी है और जब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक पीछे नहीं हटेगी। जो भी मेरे किसान भाई और क्षेत्रवासी यहाँ पे बुचट खाने के विरोध में धरना दे रहे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सारे जिले के आड़ती भाई इनके साथ हैं। जब तक ये धरना चलेगा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जब तक बुचट खाने की एनओसी रद्द नहीं होती तो हम तब तक धरने में आपके साथ शामिल होंगे। रादौर के गांव मंदार के राजकीय उच्च विद्यालय में हुआ रोल मॉडल कार्यक्रम का आयोजन। छात्राओं में आगे बढ़ने की प्रेरणा को लेकर राजकीय उच्च विद्यालय मंदार में मंगलवार को रोल मॉडल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर तैनात मेघारानी ने रोल मॉडल की भूमिका निभाई, जबकि एएनएम राजरानी और आंगनवाड़ी वर्कर रीना रानी वशिष्ठ अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई। इस मौके पर मेघारानी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किस तरह से उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की। इस मौके पर स्कूल के मुख्याध्यापक विष्णु दत्त कपिल और प्राध्यापक राकेश पंचाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाली छात्राएं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस सफलता कर कड़ी मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। रादौर के गांव लाल छप्पर में एक मोबाइल टावर से बैटरी चोरी के मामले में केस दर्ज। रादौर के गांव लाल छप्पर में स्थित रिलायंस के टावर से अज्ञात लोग 3 बैटरियां चुरा ले गए। पुलिस ने कंपनी के टेक्नीशियन की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया है। रिलायंस कंपनी के टेक्नीशियन अमित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंपनी की ओर से गांव लाल छप्पर में रिलायंस का टावर लगाया हुआ है। 26 नवंबर की रात को अज्ञात लोगों ने टावर परिसर में लगी 3 बैटरियां चुरा ली, जिससे कंपनी को लगभग 12,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया है।